हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? गए हम इन्हें एक वीडियो में हम आज बताएंगे, क्योंकि एस केस उनके साथ साथ उटकीपा वर्सेस करेंगे, कौन सा गान बेटर होगा हम बताएंगे, क्योंकि रैंक मैच में आपको ये दोनों गान कौन सा गान लेना चाहिए हम बताएंगे। सबसे पहले ये आपको डैमेज एस केस का 95 पड़ा है, उनके साथ साथ उटकीपा का कितना पड़ेगा 54। भाई साहब, यहाँ तो एस केस विन हो चुका है पहले राउंड में ही, हम देखेंगे लास्ट में कौन सा गान बेटर होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी भेस नहीं है, कोई हेलमेट नहीं, सिंगल है, क्योंकि यहाँ आपको एस के सबसे पहले विन हो चुका है, क्योंकि 95 डैमेज पड़ा है, क्योंकि एस के उठ की पाका 54 ही पड़ा है। हम देखेंगे नेक्स्ट, हम जूम बॉडी शॉट टेस्ट करेंगे, उनके अंदर कौन सा फर्क पड़ेगा हम देखेंगे। एस के एस का 95 पड़ा है उठ की पाका, हम देखेंगे उठ की पाका कितना पड़ेगा, हम देखेंगे उठ की पाका कितना होगा। तो भाई साहब 72, यहाँ से भी एस केस विन हो चुका है, क्योंकि एस केस बैटरी गान निकला मेरे ख्याल में। हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, जूम हेडशॉट हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे एस केस का उनके साथ उठ की पाका कितना डैमेज पड़ेगा। सबसे पहले उठ की पाका 396 पड़ा है, क्योंकि बेहतरीन है मेरे ख्याल में। एस केस का कितना पड़ेगा देखेंगे। तो भाई साहब 374, यहाँ उठ की पाका विन हो चुका है। वो भाई साहब हेडशॉट मामले में उठ की पास बेहतरीन गान है, क्योंकि एस के एस के मामले में यहाँ तो साफ साफ उठ की पास विन हो चुका है। हम देखेंगे फिर से नेक्स्ट चैलेंज करेंगे, नेक्स्ट राउंड क्या है हम देखेंगे, नेक्स्ट भेस टेस्ट करेंगे, क्योंकि भेस के अंदर कौन सा गान बेटर होगा, क्योंकि रैंक मैच के अंदर आपको भेस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले लेवल 1 भेस टेस्ट करेंगे, लेवल 1 के अंदर आपको कौन सा गान बेटर होगा हम देखेंगे। सबसे पहले हमने उठ की पा ले लिया है, क्योंकि 62 पड़ा है उनके साथ साथ एस केस का 66। ओ भाई साहब लेवल 1 में आपको एस केस विन हो चुका है, क्योंकि सबसे पहला राउंड है ये भेस टेस्ट के अंदर। हम लेवल 2 भेस के यूज़ करके देखेंगे कौन सा गान बेटर होगा, हम बताएंगे। लेवल 2 भेस के अंदर आपको एस केस का 52 पड़ा है। ओ भाई साहब उनके साथ साथ उठ की पा का 57। ओ भाई साहब उठ की पाका पावर आ चुका है, क्योंकि भैंस पहनने के बाद आपको उठ की पाका पावर बढ़ते जाएगा। यहाँ फाइनली उठ की पाका विन हो चुका है। हम लेवल 3 भैंस यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि एस उठ की पाका 52 पड़ा है उनके साथ साथ एस केस का 38 पड़ा है। ओ भाई साहब उठ की पा ही भैंस गान है उनके अंदर, भैंस पहनने के बाद भी लेवल 4 भैंस के अंदर देखेंगे, क्योंकि एस केस के 35 पड़ा है उनके साथ साथ उठ की पाका 51। ओ भाई साहब एक बेहतरीन गान है, क्योंकि यह गान आपको रैंक मैच में सबसे बेस गान है, क्योंकि एस के सबसे पहले बेस है, क्योंकि जो एनिमी भेस नहीं है उनके पास बेस होगा। हम हेलमेट टेस्ट करेंगे, क्योंकि हेलमेट के अंदर कौन सा गान बेस होएगा। सबसे पहले लेवल 4 भेस हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि एस के 168 पड़ा है उठ की पाका 299। ओ भाई साहब यहाँ से भी उठ की पा विन हो चुका है। हम लेवल 4 सेलेक्ट करेंगे, उठ की पाका 305 पड़ा है उनके साथ एस के एस का 182। भाई साहब यहाँ से भी उठ की पा विन हो चुका है, क्योंकि हम लेवल 2 में भी उठ की पा विन हो चुका है, क्योंकि लेवल 1 में हम देखेंगे लेवल 1 के अंदर उठ की पाका 262 पड़ा है उनके साथ साथ एस के एस का 263 पड़ा है। हम रेंज के अंदर बात करेंगे कितना यहाँ रेंज के अंदर उनके साथ साथ सभी का सीरीज देखेंगे, क्योंकि रेंज के अंदर आपको एस केस का 66 पड़ा है उनके साथ, जो उठ की पाका आपको 343 पड़ा है, यहाँ आपको उठ की पा ही बेस्ट गन होगा। हम देखेंगे लेवल 2 भेस पहनने के बाद आपको एस केस का 62 पड़ेगा उनके साथ, उठ की पाका 57 पड़ेगा। हम देखेंगे लेवल 3 भेस पहनने के बाद उठ की पाका पावर बेटर होगा जाएगा, इसके एस केस का 182 हेडशॉट पड़ा है, उठ की पाका कितना पड़ेंगे 305। ओ भाई साहब उठ की पा सबसे बेस्ट गान है, क्योंकि यहाँ से आपको उठ की पा 52 पड़ा है उनके साथ, एस केस का 38 पड़ा है। लेवल 4 भेस, ओ भाई साहब यहाँ फाइनली उठ की पाका विन हो चुका है। आप लोग कमेंट करो आप लोग का कौन सा गान बेहतरीन लगा है, मैं सब फुल डिटेल्स के अंदर देखा दिया। आप लोग वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो उनके साथ न्यू अपकमिंग गान सेंस का वीडियो पाने के।